साथ बहुत ही सिंपल सा बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो, एंगेजमेंट में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो या किसी भी पार्टी में जा रहे हो ना, तो ये वाला मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टोनर। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया हुआ है, तो आप भी अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद आपको अप्लाई कर लेना है टोनर सीरम, जो कि गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम है। क्योंकि जो भी मैं मेकअप करने वाली हूँ ना, मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा सा ग्लोई ग्लॉसी हो, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज कर रही हूँ। इतना खूबसूरत, मतलब इसका जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, OMG इतना ज्यादा अच्छा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि ये ना आपकी स्किन को हाईलाइट भी करता है ये प्राइमर, तो इसे आप जरूर एक बार ट्राई करना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर आप इसे नहीं ट्राई करना चाहते ना, तो एक बार पर्ल वाला लेके देखना, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे शाइन आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी जहां पे मैंने लिया था। स्विस ब्यूटी का कंसीलर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजिशन शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ना आई शेडो पैलेट लिया हुआ है वेट एंड वाइल्ड का, काफी अफोर्डेबल है, अच्छे खासे आपको इस पे डिस्काउंट मिलते रहते हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो एक बार आप चेक कर लेना। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना, सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप अगर लेना चाहो तो डेफिनेटली जाके ले सकते हो। के बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लैक कलर का शेड। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी इसी में से ग्रीन कलर का शेड लेके, डार्क ग्रीन। कंसीलर को लेकर के आईलिड के ठीक बीचों बीच थोड़ा सा अप्लाई करूंगी, बहुत ही थोड़ा सा। बाद ग्लिटरी सेट लेकर के मैं अपने फिंगर से ही इस पे अप्लाई करूंगी। यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन 128 फाउंडेशन शेड है। इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये फाउंडेशन अगर आपकी शादी भी होने वाली है ना, और आप ब्राइड बनने वाले हो, तो भी आप ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकती हो, क्योंकि ये आपको मीडियम टू हाई कवरेज देता है, प्राइस वाइज भी सही है, और आप चाहो तो आप इसका छोटा पैक भी आप मंगवा सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ आईब्रो पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस एंड नोज को कंटूर करूंगी, ठीक है। बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ना मैग्नेटिक आईलाइनर एंड मैग्नेटिक आईलैशेस। यार क्या क्या बोल रही हूँ ना, बड़ी जुबान फिसल रही है। तो इसके लिए आपको ना बस जैसे ही आप आईलाइनर लगाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसे लगा लेना है, बिल्कुल आईलाइनर की तरह, जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहते हो। आपको इसे दो कोट अप्लाई करना होता है, वन एंड टू, देन बस पुट ऑन करना है। बस हल्के से आपको यहाँ पे सामने ले जाओगे और ये इजिली स्टिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लश, सॉरी हाइलाइटर। यार हाइलाइटर था, ब्लश क्यों बोल दिया मैंने। ओके इसके बाद मैं यहाँ पे अब यूज कर रही हूँ ब्लश, थोड़ा सा स्माइल करो एंड देन अप्लाई करो। यू यहाँ पे SQ की लिपस्टिक। सो गाइज ये रहा मेरा आज का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।